ये देखिए इस एलिफेंट को बनाने के लिए हमने सिंगल धागे से थर्टी फंदे लिए हैं और इसके बाद हम सीधी तरफ से भी सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे ये पूरी रो जितने भी फंदे हमारे थर्टी हैं उसे हम उल्टा ही बुनेंगे और देखिए इस तरह से सारे फंदों को हमें उल्टा बुनना है और जब हम बैक साइड आ जाएंगे तो बैक साइड से भी हम सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बनेंगे तो हम बनाकर फिर आपको दिखाते हैं और ये देखिए यहाँ पे हमने उल्टे उल्टे की ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और एक सेवन सेवन धारियाँ हमारी उल्टे उल्टे की बन गई है और इधर से भी हमारी सेवन है ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और एक सेवन अब यहाँ से फंदे हमारे कम होंगे तो टेन फंदे हमें यहाँ पे बंद करने हैं ये देखिए ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और एक टन फंदे ये वन है और इधर हमारे नाइनटीन फंदे तो टोटल यहाँ पे अब ट्वेंटी फंदे होके हैं और इस ट्वेंटी फंदे को अब हम सीधी तरफ से भी उल्टा और उल्टी तरफ से भी उल्टा बनकर फिर आपको दिखाते हैं और देखिए जो ट्वेंटी फंदे बचे थे उनको मैंने उल्टा उल्टा बनाया है सीधी तरफ़ से भी उल्टी तरफ से भी तो इसके भी देखिए सेवन रो बनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और एक सेवन तो सेवन रो बनाने के बाद जैसे हमने टेन फंदे यहाँ बंद किए थे घटाए थे अब यहाँ पे हम टेन फंदे बढ़ाएंगे जैसे भी आप बढ़ाते हो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन और एक टेन तब ये टेन फंदे ये हैं और ट्वेंटी ये है तो टोटल अब फिर थर्टी फंदे हो गए हैं अब इसे भी हम सीधी तरफ से उल्टा उल्टा बनाएंगे और उल्टी तरफ से भी हम उल्टा उल्टा ही बिनेंगे और देखिए यहाँ पे हमने उल्टे उल्टे की सेवन धारियाँ बना ली है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और एक सेवन अब जैसे हमने टेन पंदे यहाँ घटाए थे बंद किए थे बिल्कुल सेम तरीके से इसे भी हम टेन पंदे अब बंद कर देंगे तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सेवेन, एट नाइन और एक टेन फंदे। अब टेन फंदे जब हमने यहाँ पे बंद कर दिए तो यहाँ पे हमारे ट्वेंटी फंदे बचे हैं अब इस ट्वेंटी फंदे को भी हम सीधी तरफ से उल्टा और उल्टी तरफ से भी उल्टा बुनते हुए बनाएंगे। और इसकी भी हमारी अब सेवन प्रोपर बनेगी तो हम बनाकर फिर दिखाते हैं और देखिए यहाँ पे ट्वेंटी फंदों को मैंने सीधे और उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बनाया है तो ये पन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन रो बन गई है अब यहाँ तक देखिए हमारे एलिफेंट के ये दो पैर बन गए एक ये और एक ये यह। अब यहाँ से हम इसकी सूंड बनाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे फाइव फंदे बढ़ाएंगे पन टू थ्री फोर और एक फाइव अब इन सारे फंदों को हम फिर उल्टा उल्टा बुनेंगे ये फाइव फंदे हमने जो पढ़ा लिए हैं इसे भी हम उल्टा बनाएंगे ये थोड़े से टाइट होते हैं और इसके पास ये साइड के ट्वेंटी फंदे हैं इसे भी हम उल्टा उल्टा बनाएंगे और देखिए बैक साइड से सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए हैं अब हम सीधी तरफ आ जाएंगे। पहली बार हमने फाइव फंदे बढ़ाए थे अब इस बार हम थ्री फंदे बढ़ाएंगे ये वन टू और थ्री और फिर यहाँ से हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे ये थ्री फंदे जो हमारे बढ़ाए थे वो भी और इसके पहले भी जितने फंदे हैं वो सब हम हमारे उल्टे बुने जाएंगे और देखिए बैक साइड से सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लिए अब हम फिर सीधी तरफ आ जाएंगे तो पहली बार हमने फाइव फंदे बढ़ाए दूसरी बार थ्री फंदे बढ़ाए और अब हम फिर थ्री फंदे बढ़ाएंगे ये वन टू और एक थ्री और फिर हम सीधी तरफ़ से भी सारे पंदे उल्टे बनाएंगे और उल्टी तरफ से भी हम पंदों को उल्टा उल्टा ही बनेंगे और देखिए बैक साइड से भी सारे पंदे हमने उल्टे उल्टे बना लिए हैं अब हम सीधी तरफ आ जाएंगे और अब यहाँ टोटल हमारे थर्टी वन पंदे हो गए हैं अब हम दो धारियाँ उल्टे उल्टे की बनाएंगे और देखिए यहाँ पे उल्टे उल्टे के मैंने वन टू धारियाँ बना ली है और इसके बाद हम सारे फंदों को बंद कर देंगे इस तरह से दो का एक करते हुए ये यह पूरे यहाँ लास्ट तक हम फंदों को बंद करके फिर दिखाते हैं ये यह देखिए यहाँ पे हमने सारे फंदों को बंद कर दिया है तो इस तरह से ये हमारा एक पार्ट बन गया है और सेम इसी तरह से मैंने एक पार्ट और बना लिया है तो ये इस पे इस तरह से हम रख कर करेंगे अब इसके बीच वाले ये पेट वाले भाग को हम बनाएंगे तो देखिए उसे कैसे बनाना है और इसके लिए भी हमने यहाँ पे देखिए थर्टी फंदे लिए हैं सिंगल धाके से और उल्टे उल्टे की ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन थारियाँ हमने यहाँ पे बना ली है अब सेवन थालियाँ जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी सेम वैसे ही किया है और यहाँ से हम टेन फंदे फिर बंद कर देंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और एक टेन और इसके बाद ट्वेंटी फंदे हमारे पास हैं ये सारे अब हम उल्टे उल्टे ही बनाएंगे तो ये पूरी रो हम उल्टी बनेंगे और ये पुल हमने बना लिया अब हम आएंगे इधर बैक साइड अब इस साइड से भी हमें टेन फंदे कम कर देने हैं घटा देने हैं ये बॉन्ड टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन और एक टेन बंद हमारे पास बंदोगे दूसरे साइड से भी ये वन है टू थ्री और फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फंदे हमने उल्टे बनाए अब इस टेन फंदे को हम सीधी तरफ से भी उल्टा बनेंगे और उल्टी तरफ से भी उल्टा बनेंगे और देखें यहाँ पे हमने ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन थारियाँ उल्टे उल्टे की बना ली हैं जैसे हमने टेन फंदे यहाँ घटाए थे अब हम इधर से टेन पंदे बढ़ाएंगे ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और एक टेन अब यहाँ से सारे पंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे देखिए हमने सारे पंदे उल्टे उल्टे बना लिए हैं अब हम दूसरी साइड आएंगे तो इधर भी हमें टेन पंदे बढ़ाने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और एक टेन तो टेन इधर टेन बीच में टेन फंदे इधर तो टोटल थर्टी हो गए अब फिर हम सीधी तरफ़ से भी उल्टा उल्टा बनेंगे और उल्टी तरफ से भी उल्टे उल्टे की सेवन रो बनाएंगे और देखिए यहाँ पे हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन रो उल्टे उल्टे की बना ली है और यहाँ से हम सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे बंद कर देंगे दो का एक करते हुए या आप जैसे भी फंदों को बंद करते हैं वैसे करते हुए इन सारे फंदों को अब हमें बंद कर देना है ये देखिए ये पार्ट भी अब मेरा बन गया है और ये दो पार्ट हमारे ये थे अब हमें कैसे करना है इसे हम ऐसे घुमाएंगे ये आया पैर और ये इस तरह से इसके ऊपर हम रख देंगे यहाँ से तो हम बताते हैं कैसे हमें सिलाई करनी है पहले हम इस जगह से ये जहाँ जो ये पहला वाला पैर है और दूसरा हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम करते हुए इधर आएंगे सोन की तरफ़ फिर यहाँ से ऊपर यहाँ की सिलाई और फिर यहाँ इस पैर से इधर से आते हुए हम आएंगे सिलते हुए यहाँ ऊपर तक और फिर इसके बाद यहाँ नीचे तक इतनी सिलाई करके हम बताएंगे कि ये इस वाले पार्ट को हम कैसे ऐड करेंगे और ये देखिए यहाँ से हम सिलाई करते हुए आए हैं इधर और इधर से फिर यहाँ ऊपर और यहाँ इस वाले पैर के यहाँ तक अब देखिए कैसे करना है अब इसे हम ऐसे सीधा कर देंगे और यहाँ पे ये दूसरा वाला पार्ट जो हमने बनाया था वो बिल्कुल इसी पैर के बराबर आ जाएगा ये देखिए अब हम यहाँ से सिलाई करेंगे फिर इन दोनों पैरों को यहाँ से मिलाएंगे, इधर करेंगे फिर ऊपर जाएंगे यहाँ से इधर फिर नीचे और फिर पैर के पास से यहाँ अब यहाँ हम जो ये बीच वाला थोड़ा सा भाग इसे खोल छोड़ देंगे यहाँ से हम इसे सीधा करेंगे और पलटेंगे और देखिए इस तरह से एक बार फिर दिखाती हूँ ये दोनों पैर अभी खुले हुए हैं यहाँ से हम इसे इस तरह से रखेंगे और इधर हम चारों तरफ सिलाई करते आएँगे बस ये बीच के थोड़ी दूर को हम छोड़ देंगे और देखिए यहाँ से हमने चारों तरफ इसकी सिलाई कर ली है और ये बीच में थोड़ा सा भाग छोड़ दिया है अब यहीं से हम अपने इस एलिफेंट को सीधा करेंगे इसके अंदर से हम निकाल लेंगे सारे पार्ट जितने हैं उसे हम इस तरह से सीधा करेंगे और ये देखें इस तरह से हमने सब सीधा कर लिया है और इसे ठीक से इस तरह। अब यहाँ से हम कोई भी कॉटन या पुराना ऊन या पुराना कपड़ा कुछ भी हो हर एक पैर के बीच में और इधर सूढ़ के बीच में हम कायदे से इसे फिल कर देंगे पहले ये सोड़ वाले भाग में अंदर करेंगे ये देखिए इसमें हमने चारों तरफ पैरों में और इसकी सोड़ में अच्छे से फिल कर दिया बीच में अब ये तो थोड़ी सी जगह हमारी छोटी हुई है अब इसे हम बंद कर देंगे ऊन और सुई की मदद से यहाँ से हम सिलाई कर देंगे और सिलाई करने के बाद अब इस एलिफेंट के हम कान बनाएंगे ये देखिए इसके कान को बनाने के लिए सिर्फ सिलाई पे एक बंदे डालेंगे और इस तरह से सिलाई पे धागे को लपेटेंगे तो एक बंदा हमारा बन जाएगा और इसे हम उल्टा बिन देंगे और फिर हम दूसरी तरफ आएंगे तो इस बार भी हम पहले सिलाई पे धागे को लपेटेंगे तो एक बंदा हमारा बन जाएगा और फिर बाकी के बंदे को हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से हर सिलाई में हमारा एक पंदा बढ़ता जाएगा धागे को लपेट के एक पंदे को बढ़ा लिया और इसे बुन लिया और देखिए इस तरह से फंदों को बढ़ाते हुए हमने यहाँ पे टन फंदे कर लिए हैं दस फंदों के बाद फिर हम दो रो उल्टे उल्टे की और बनाएंगे तो हम बनाकर दिखाते हैं यहाँ देखिए उल्टे उल्टे की हमने दो धारियाँ बना ली हैं और इसके बाद हम सारे फंदों को बंद कर देंगे इस तरह से और जैसे मैंने इस एक कान को बनाया है ऐसे ही हमें एक पीस और बनाना होगा और फिर उसके बाद हम एलिफेंट में इसे सिलाई करेंगे तो ये देखिए हमारा हो गया और यहाँ से हम थोड़ा सा धागा सिलाई के लिए बचा कर और फिर कट कर देंगे और देखिए इसी तरह से हमने एक पीस और बना लिया है ये और यहाँ पे इस एलिमेंट में यहाँ हम इस तरह से ऐड कर देंगे इसी तरह से हम ये जो हमने पंदे बंद किए थे उसी साइड से यहाँ इस तरह से और इसके आगे हम आँखों के लिए या धागे से बना दें या कोई भी मोती या बटन लगा देंगे तो आंखें बन जाएंगी और इस तरह से हमारी ये एलिफेंट की डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी और देखिए इसकी पूँछ बनाने के लिए हमने फोर्टीन फंदे डाले हैं और उल्टे उल्टे की दो धारियाँ बनाने के बाद सारे फंदों को बंद कर दिया है और फिर इस एलिफेंट में यहाँ हम इस तरह से ऐड कर देंगे तो इसकी एलिफेंट की पूंछ बन जाएगी और इसके शेप को देने के लिए यहाँ गले के पास इस धागे को हम बांध देंगे यहाँ पर मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी थैंक यू